क्या यार, इतनी दूर जाके घर ले लिया, कैसे ट्रैवल करेगा? पनवेल में घर ले लिया, क्या है नवी मुंबई में? नहीं यार, इतना दूर नहीं जाना चाहिए। क्या ये सब टॉन्ट्स आपको भी मिलते हैं? आपके दोस्त लोग जो मुंबई में रहते हैं, क्या आपको भी यही बोलते हैं? मुझे भी बोलते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने का रीज़न यही है, मुझे बताना है अपने सारे दोस्तों को कि नवी मुंबई में है क्या। मुंबई से नफरत नहीं करता हूँ मैं, आई पर्सनली लव मुंबई, बहुत टाइम रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप भी नवी मुंबई में रहते हैं तो आइए मेरे साथ, साथ में दिखाएंगे लोगों को कि नवी मुंबई में क्या है ऐसी चीज़ें जो जो मुंबई के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है या तो इक्वल है। कुछ चीज़ें या कुछ जगह मुझे पता है, अगर आपको चीज़ें पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ मिलके उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहूँगा और नवी मुंबई को पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में नहीं एटलीस्ट मुंबई में फेमस करना चाहूँगा। तो जुड़े रहिए, मैं नवी मुंबई का रॉबिन आपका स्वागत करता हूँ मेरे पहले यूट्यूब चैनल में और पहले यूट्यूब वीडियो में। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे गांव से, जहां पे मैं रहता हूं, और इस गांव का नाम है उमरौली। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक नदी है और पहाड़ों का व्यू है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे जो सल्लू भाई हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको नदी दिखाई थी वो हमारे उमरौली गांव में थी। यहाँ जो मैं अब खड़ा हूँ ये है गडेश्वर ब्रिज, वो उसी नदी का हिस्सा है। आप लोग उमरौली से आगे माथेरान रोड पे आएंगे तो ये वहीं पे पड़ता है। बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे लोग आते हैं रिलैक्स करने के लिए, फैमिलीज आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मौका मिले तो प्लीज़ आइए उमरौली के आगे। ये जो रास्ता आपने देखा, इतना पीसफुल है, इतना शांत है। यहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। बहुत सारी जगह है जो मैंने अभी तक नहीं दिखाई आपको, एक वीडियो में सब पॉसिबल नहीं है।
जितना हो सके आज मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा जो उमरोली के आसपास हैं, मेरे गांव के आसपास हैं। ये तो शुरुआत है, और वीडियोस बनेंगी ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ उमरोली या पनवेल के लिए नहीं है, ये पूरे नवी मुंबई के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल दिखाया है। सो रिपीट करता हूँ, अगर आप नवी मुंबई से हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन सी ऐसी जगह है जो मुझे दिखानी चाहिए। थैंक यू।